तो अगर मैं अब तक देखूं, मतलब मार्च तक अगर मैं आपकी स्टडीज देख रहा हूं, तो जो है जीएस जो आपने पढ़ी वो शायद सिर्फ डेडिकेटेड जो है 2 महीने पढ़ी है। हाँ, मतलब 2 महीने प्लस यू कैन ऐड सम से 1 or 2 months here and there in bits and pieces. Okay. So जो है कभी ये डर नहीं लगा कि कहीं प्रीलिम्स में नहीं हुआ तो क्या होगा? So प्रीलिम्स का ये मैं जनरली ऑब्जर्व करा है, या मैं बोलूँगा कि पीपल हैव फियर अबाउट प्रीलिम्स कि निकलेगा नहीं निकलेगा। तो आई ऑलवेज हैड दैट थिंकिंग कि नहीं, आई विल लिव इन द मोमेंट कि अभी मैं पढ़ता हूँ, जब प्रीलिम्स आएगा देन आई विल थिंक अबाउट प्रीलिम्स। एंड इवन ड्यूरिंग प्रीलिम्स आई बिलीव अ लॉट इन सिमुलेशंस कि मैं बैठ के आई विल सॉल्व मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मैं घर में बैठ के पेपर लेके 2 hours आई विल टेक एन OMR शीट, सारे बबल्स फिल करूंगा, आई विल डू दोज एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन, सो दैट आई एम गेटिंग अ हैंग ऑफ थिंग्स कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो कभी मैं क्वेश्चन करता था तो मेरे माइंड में कभी ऐसा नहीं रहा कि यार मैंने पिछले 10 questions नहीं करे। आई ऑलवेज लुक दैट 11 questions ओनली दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ना कभी आगे का सोचना है कि आगे क्या क्वेश्चन आ रहा है, ना पीछे का सोचना है। तो दैट इज़ अ हैबिट आई डेवलप। Additionally, I did an exercise over all these from June onwards, which was कि काफ़ी websites वगैरह पे, जैसे insights हो गई या forum हो गई, वो लोग current affairs quiz करके डालते हैं। तो I used to daily give those quiz. Okay. तो prelims में what the important thing is कि one can never be 100% sure of I think more than 30% of the questions. उसके बाद में intelligent guessing start हो जाती है। तो for the intelligent guessing, I started doing those random quizzes. उसके अंदर मैंने I think 50% ऑफ टाइम 5 में से मेरे 0 or 1 मार्क्स ही आए होंगे। मतलब मैं बहुत गलती करता था, बट आई डिड दोर एक्सरसाइज की ठीक है अभी आए तो नेक्स्ट टाइम आई विल इंक्रीज, आई विल इंक्रीज। अभी मैंने पढ़ा नहीं है, जब मेरा बेस बन जाएगा पूरे अच्छे से अपने माई मार्क्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। ओके, तो आई ऑलवेज बिलीव्ड कि वॉट एवर मिस्टेक्स आई एम डूइंग राइट नाउ आई शुड लर्न फ्रॉम देम। अगर मुझे अभी कुछ नहीं आता है, आई शुड लर्न फ्रॉम दैट। दिस इज ऑल जैसे टीचिंग फॉर मी। यहाँ पे मैं एग्जामिनेशन नहीं दे रहा, माई एग्जामिनेशन इज द फाइनल एग्जामिनेशन ऑन 3rd of June, विच इज द डे ऑफ प्रीलिम्स। द मैक्सिमम आई हैव टू स्कोर इज ऑन दैट डे। अभी मैं मैक्सिमम स्कोर करके उस दिन नहीं करूँगा तो कुछ फायदा नहीं है। अभी आई हैव टू इम्प्रूव डेली, जो भी जहाँ से भी मैं आई कैन लर्न फ्रॉम दैट, मूव ऑन, नेक्स्ट डे इम्प्रूव करो। एवरी डे इफ आई कीप ऑन इम्प्रूविंग ऑन दैट डे ऑफ प्रीलिम्स, आई विल बी एट माई मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेवल, और तब वो हो जाएगा। तो ये जो मार्च के बाद जो आपने मॉक देना स्टार्ट किया, तो ऑलमोस्ट कितने मॉक दिए होंगे इस दौरान आपने? इसके अंदर आई थिंक वाजीराम की एक टेस्ट सीरीज ली थी मैंने, एक विजन की ली थी। तो दोनों के अराउंड ऐड करूंगा तो समवेयर अराउंड 40 या 45 टेस्ट तो हो गए थे। उसके अलावा विजन के कुछ ओपन टेस्ट ऑनलाइन या फोरम आई का सिमुलेटेड टेस्ट था, एक दो मैंने टेस्ट इस तरह के भी दिए थे। आई ट्राई टू मिक्स क्वेश्चन पेपर्स। जनरली टेंडेंसी होती है लोगों की कि एक ही टेस्ट सीरीज देते हैं तो दे गेट इन टू दैट हैबिट कि एक ही पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो रिस्क ले लेते हैं कि गेस कर लेते हैं। आई इंटेंशनली ट्राइड कि मुझे उस पैटर्न के अंदर नहीं आना है, तो एक दो जगह के और भी दूंगा तो आई विल डेवलप दैट हैबिट। तो इफ वाजीराम इज टफ, आई एम स्कोरिंग ओनली 70 marks, तो विजन में आई एम स्कोरिंग 140 marks ऑल्सो। ओके, तो दैट वॉज माई अप्रोच ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज। ओके, तो ये जो मार्च के बाद जो बेसिकली आपने डेडिकेटेड तैयारी शुरू करी है, सो दिस वॉज मोर टूवर्ड्स प्रीलिम्स होंगे, इसमें ऑप्शनल नहीं था? नहीं, इसमें फिर ऑप्शनल नहीं था, इसमें फिर ऑप्शनल नहीं था। इट वॉज मोर अबाउट रिविजन एंड गिविंग मॉक टेस्ट। जी, रिविजन, अब क्योंकि एक बार मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं एंड मैं ये भी बोलूँगा कि जैसे मैं क्लासेस जाता था जीएस की, तो वो जो मेरे नोट्स है आई यूज टू रिवाइज देम जब भी मैं क्लास से आता हूँ या नेक्स्ट क्लास के पहले, तो दैट रिविजन रियली हेल्प मी अलॉट। ओके, तो वो कम से कम 3 or 4 times मेरे क्लास नोट्स ही रिवाइज हो चुके थे। तो दैट वॉज काइंड ऑफ इम्प्रिंटेड इन माई मेमोरी। So you made notes for all the GS subjects? हाँ, वो क्लासेज जाते थे तो उसके अंदर नोट्स बनते थे। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगते थे उनके नोट्स अच्छे से बनाए थे। फ्यू अदर टॉपिक्स वो नोट्स ऐसे मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, उसमें आई नेवर वेंट टू द क्लास की पढ़ने जा रहा हूँ। आई यूज टू लिसन की ठीक है टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर रिलेवेंट है तो ठीक है, वरना मैं GS की क्लास के अंदर भी मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता था। ओके, तो आई हैड दैट मल्टीटास्किंग अप्रोच कि अगर कोई चीज रिलेवेंट है तो सुनूंगा, नहीं है तो आई विल डिस्कार्ड इट। एंड व्हाट अबाउट करंट अफेयर, कितना टाइम आप पेपर पढ़ने में देते थे? और करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन, एंड आई वाज वेरी डिलिजेंट इन फॉलोइंग द न्यूज़पेपर्स। आई रेड द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड आई वुड से कि एक साल के अंदर मैंने हार्डली 7 days का मैंने कभी न्यूज़पेपर मिस करा होगा इफ आई कंबाइन ऑल द डेज। एंड अगर मैं पूरा अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ तो आई यूज टू जस्ट लुक एट द समरी या फिर न्यूज़पेपर हेडलाइंस देख ली कि दिस इज मोर देन इनफ।
तो कभी उसके नोट्स बनाए थे न्यूज़पेपर के आपने? सो हैविंग बल्कि ऑप्शन लाइक मैथमेटिक्स, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी क्वाइट रेगुलर इन दिस अप्रोच. वेन एवर आई गॉट एन टाइम आई ट्राई टू मेक नोट्स, पर अगर नहीं होता था तो आई यूज टू की थिंक कि चलो न्यूज़ कवर कर लेता हूँ, इफ़ द न्यूज़ रिपीट्स इन फ्यूचर तब मैं इसके नोट्स बना लूँगा, बिकॉज न्यूज़ जनरली टेन टू बी कवर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दो तीन महीने तक वो न्यूज़ आती रहती है, तो उसको वैसे कवर कर लिया था. एडिशनली आई विल से फॉर न्यूज़पेपर्स कि देर इज़ अ पैटर्न इन न्यूज़पेपर ऑल्सो. सो इफ़ यू सी न्यूज़पेपर वॉट आई ऑब्जर्व इन हिंदू ड्यूरिंग माई टाइम कि ट्यूजडे एंड थर्सडे के जो एडिशन थे दे यूज टू बी लिटिल हैवियर एज कम्पेयर टू मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे. तो आई वाज ऑलवेज मेंटली रेडी कि आज ट्यूजडे है या आज थर्सडे है, तो इस दिन मैं न्यूज़पेपर और अच्छे से पढ़ूंगा. ऑन अदर डेज आई कैन बी लिटिल रिलैक्स्ड एंड क्विकली फिनिश देम ऑफ. बट जिन दो दिन में इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आ रहे हैं या ओपेड भी पेज पे भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो उस दिन मैं अच्छे से पढ़ के उसके नोट्स बनाता था. पर बनाते थे कभी? हाँ, बट आई ट्राई टू बी जिस दिन, जैसे मैंने बोला जिस दिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उस दिन मैं अच्छे से न्यूज़पेपर को पढ़ूंगा. आई यूज टू डिवोट इनिशियली 2-3 hours मेरे जाते थे, देन आई रिड्यूस दैट टाइम टू 1 hour. फिर नोट्स बनाने में थोड़ा एक्स्ट्रा 30 minutes लग भी जाते थे, बट आई डिड दैट एक्सरसाइज बाय माय. न्यूज़पेपर पढ़ने में कितना टाइम लगता था आपको डेली? सो एज आई सेड, व्हेन आई स्टार्टेड 3-4 hours मेरे चले गए थे इन June 2017 अगर मैं बताऊँ तो. बट आते आते रिड्यूस कर करके मैंने उसको 1.5 hours देन 1 hour टाइम पीरियड तक लिया था, बट स्टिल 1 hour आई यूज टू गिव 1 hour. बट आई ट्राई टू इंश्योर कि मैं फालतू टाइम भी नहीं डाल रहा हूँ न्यूज़पेपर में. इफ़ आई सी कि आज बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ आ रही है कि इलेक्शंस कवर हो रहे हैं, तो इलेक्शंस पॉलिटिकल न्यूज़ फ्रॉम इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यूपीएससी एक्सपीरियंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको मैंने सेफली इग्नोर करके मूव ऑन कर लिया. ओके. तो अच्छा, अब तक आपने जो है प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया, प्रीलिम्स जो है देने के बाद वरी श्योर कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं था? सो आई वाज आई कैलकुलेटेड फॉर मल्टीपल कीज, आई वाज गेटिंग समवेयर अराउंड 105 प्लस माइनस 6. सो आई वाज लुकिंग एट द डिफिकल्टी ऑफ पेपर, तो मुझे लग रहा था कि नहीं हो जाएगा. बट स्टिल आई नेवर थॉट इन दैट पर्टिकुलर वे कि होगा नहीं होगा, मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा. आई टुक 3-4 days ऑफ रिलैक्सेशन पीरियड, उसके बाद मैं अगेन स्टार्टेड होम मीन्स. ओके. एंड टिल नाउ यू हैव नॉट एवर ट्राइड आंसर राइटिंग? या सो दिस इज आई वुड से कि इन हाइंडसाइड मैं बोलूंगा कि दिस वाज अ फ्लॉ इन माय स्ट्रेटजी. आई शुड हैव ट्राइड आंसर राइटिंग जब भी मौका मिलता, बट अगेन बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स आई नेवर हैड दैट लग्जरी ऑफ टाइम कि मैं जीएस पढ़ भी रहा हूँ और मैं आंसर राइटिंग भी कर रहा हूँ. तो आई हैड टू गिव अप ऑन सम एस्पेक्ट. Okay. I took that risk of leaving answer writing at that time. I was confident ki jab main ek bar concepts prepare kar lunga, base bana lunga, then given a topic I can write something on it. So after prelims, jab mera prelims khatam hua, for 1 month I did revision of my optional and I focused on answer writing. Daily 1 or 2 answers writing I used to do. Ki thodi habit bane, and wo 1 month period mein maine develop kara, and then I refined it further. After looking at topper के copies देख ली कि how they used to write, and then test series में जाके I tried to implement all those things, and देखा कि test series में कैसा feedback मिल रहा है मुझे, तो that was my approach. So then you started writing actually. हाँ जी, prelims के बाद में dedicated answer writing मैंने start कर दी थी, and once I started that मैंने फिर उसको लीव नहीं करा मतलब. ओके. सो बेसिकली जून से लेके सितंबर तक बेसिकली आपने जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है? हाँ, वो काफ़ी डिलीजेंटली मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी. एंड जैसे GS1 अगर मैं पेपर वाइज बताऊँ, GS1 के आंसर राइटिंग के लिए जो प्रीवियस है क्वेश्चन है दैट आर द बेस्ट सोर्स, क्योंकि स्टैटिक सब्जेक्ट है तो UPSC के क्वेश्चन उठा के आई यू राइट आंसर्स. अब जैसे मॉडल सॉल्यूशंस वाली बुक आती है तो उसी में से कंपेयर कर लिया इफ़ आई एम नॉट एबल टू गेट अ गाइडेंस. सो मैं बता देता हूँ कि फॉर मेंस प्रिपरेशन, सो 2 months बिफोर प्रीलिम्स आई शिफ्टेड बैक टू माई होम टाउन जयपुर. आई वॉज नॉट इन दिल्ली, तो आई हैड दैट लैक ऑफ गाइडेंस. Okay. After for from April 2018 onwards. Okay. तो at that time मैं I was all by myself. एक या दो friends को मैंने कभी answer दिखा दिया, but that was not a regular advice कि I can rely on कि मैं कभी भी answer लिख के किसी को दिखाऊँ and they can judge my answer. So basically जो है evaluations नहीं हो रहे थे. हाँ, evaluation नहीं हो रहे थे. Okay. I was getting little desperate also कि कोई तो मुझे कुछ proper advice दे दे. But at that time I had self confidence in my answer writing ability. And I had that belief कि ठीक है नहीं भी हो रहा है तो I am doing something right. I had a look at कि बाकी toppers ने कैसे answer लिखे हैं. Okay. उनके answer देखने के बाद में I tried to do implement the same things and मुझे लगा कि if I am doing the same thing then marks अपन देखेंगे, जब UPSC के marks आएंगे तब पता चल जाएगा.
इस बार अगर नहीं होगा तो आई विल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड उसको अगली बार में मैं इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा. ओके, सो आई नेवर लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन माय आंसर राइटिंग एबिलिटी और द क्वालिटी ऑफ आंसर आई एम राइटिंग. आई वॉज फर्म ऑफ अ फर्म बिलीवर कि इफ आई एम डूइंग समथिंग देन आई शुड डू इट विद फुल डेडिकेशन. कभी डिमोटिवेट नहीं हो रहा है कि मैं कैसे लिख रहा हूँ या क्या होगा. नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ तो इस पर फोकस करना है. डोंट लूज होप, डोंट गिव अप. एंड आई डिड दैट एक्सरसाइज. एंड एक चैलेंज था मेनली ऑफ कम्प्लीटिंग दी टेस्ट सीरीज की ऑल 20 क्वेश्चंस करना है. तो दैट आई ट्राइड टू डू. उस पर मैंने ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करी. ओके, तो उसके लिए पूरी टेस्ट सीरीज लगाते थे आप? हाँ, सो इन माई ओपिनियन टेस्ट सीरीज अगेन जैसे मैंने प्रीलिम्स के लिए बोला कि सिमुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो टेस्ट सीरीज को भी मैं सिमुलेशन की तरह लेता था कि अगर मैं कोई टेस्ट लिखने जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग विद माई 100% इंटेंसिटी. मैं उसको एज ए मॉक टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं उसको यूपीएससी मेंस की तरह ले रहा हूँ. तो अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं 3 घंटे में लिख कर आऊँगा. मैं वहाँ पे 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं बैठूंगा कि अगर कोई इन्विजिलेटर नहीं है तो आई हैव दैट लक्ज़री कि मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लिख लेता हूँ, अच्छा आंसर लिख लेता. नहीं, 3 घंटे होते ही मैं उठ के आ जाऊँगा. एंड इवन आई वेंट एंड रोट 2 टेस्ट ऑन द सेम डे. मैं 9 से 12 एंड 2 से 5 ही टेस्ट देकर आता था टू गेट इन टू दैट हैबिट. क्योंकि यूपीएससी मेंस में मेरे को 1 दिन में 6 घंटे लिखना होगा. अगर मैं केवल 3 घंटे की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आई डोंट नो मेरे उस दिन हाथ चलेंगे या नहीं चलेंगे. ऐसे कितनी बार गया? तो मैंने 8 फुल टेस्ट लिखे थे. ओके, तो आई वेंट टू द विजन टेस्ट सेंटर इन जयपुर. मैंने वहाँ पे 4 बार जाके दो टेस्ट दिए. एंड आई गेव दोस टेस्ट. मेरा इंटेंशन वही था कि पेपर फुल कंप्लीट होना चाहिए एंड वॉट एवर एडवाइस दे आर ट्राइंग टू गिव मी एक बार देख लेता हूँ. उसमें भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो बोला आई विल एग्री टू ऑल ऑफ इट. ओके, उनकी भी बहुत सब्जेक्टिविटी होती है आंसर चेकिंग में. If they are saying कि ज़्यादा data use करते तो it is not necessary कि examiner भी यही बोलेगा. If my arguments make sense तो वो data की requirement नहीं है. और first attempt में इतना मुश्किल भी होता है कई बार वो data याद रखना और बोलना. एंड वो revision में नहीं होता था तो उतना confidence भी नहीं है कि मैं जाके data quote कर सकता हूँ. या say for ethics का अगर मैं paper दे रहा हूँ एंड they are saying कि give 2 more examples और 3 more examples. I always felt कि if I can put my point forward by a very good single example, तो why should I dilute the quality of my answer by giving 2 or 3 more examples? मेरे पास केवल 150 words है लिखने के लिए. अगर मैं 3 examples लूँगा मैं केवल 50-50 words लिख पाऊँगा हर example के ऊपर. इससे बढ़िया मैं एक ही example को और अच्छे से उसके अंदर deep में जाके explain कर दूँ. Okay, तो ये ethics जो आपने basically जो mains perspective से थोड़ा बात करें तो ethics कहाँ से पढ़ा आपने? Ethics का मेरा बेसिकली वाजीराम जो क्लासेस थी उसके नोट्स थे मेरे पास और उनकी येलो बुक जो थी वो मैंने एक बार उसमें से भी जो मेरे को लगता था कि चीज़ें नहीं आती हैं वो मैंने देख लिया था. उसके अलावा ऑल द कीवर्ड्स जो भी सिलेबस में दे रखे थे मैंने हर कीवर्ड्स के ऊपर सारे नोट्स मेरे पास रेडी थे कि हर कीवर्ड्स के पास ये हैं. एंड एग्जाम्पल्स आई यूज टू नोट डाउन. एक ऐसे चीट शीट बना रखी थी ऑफ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कि जनरली वो लिखते वक्त याद नहीं आते थे तो बार बार उनको रिवाइज कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल एग्जाम में याद आ जाए. सो वर दीज एग्जाम्पल्स फ्रॉम करंट अफेयर्स या फिर जो है करंट अफेयर्स और फ्रॉम पास्ट और से अगर कुछ गीता रिलेटेड है महाभारत से भी कुछ मिल जाए कोट करने के लिए तो वो भी लिख लिया कि अच्छा लग रहा है. ओके, तो ये अपन कोट कर सकते हैं जस्ट टू प्रेजेंट सम न्यू आर्ग्यूमेंट. ओके, तो दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग. अब जैसे मैं केस स्टडीज़ का बताऊँ. केस स्टडीज़ में आई हैड दैट हैबिट या आई हैव जनरली सीन कि पीपल की वो दे हैव दैट हैबिट कि एक पर्टिकुलर वे में ही केस स्टडीज़ को अप्रोच करते हैं कि एक वो थोड़ा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें करना. अगर अपन एथिक्स का सिलेबस देखें तो इट हैज़ अ साइकोलॉजी पोर्शन, इट हैज़ अ फिलोसॉफी पोर्शन एंड इट हैज़ अ पबैट पोर्शन. तो जनरली पीपल हैव दैट हैबिट ऑफ अप्रोचिंग ओनली फ्रॉम पबैट पॉइंट ऑफ व्यू. बट इफ़ यू कैन प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम फिलोसॉफिकल साइड्स ऑल्सो तो हो सकता है इट कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट. तो लास्ट ईयर मैं एग्जाम्पल जैसे दूँ तो एक विकीलीक्स का केस स्टडी आया था ड्यूरिंग माई टाइम. तो उसके अंदर व्हेन आई सॉ दैट उसके अंदर उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि प्रेजेंट ऑल दैट कोर्सेज विच यू विल टेक, गिव इवेल्युएट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच कोर्स एंड देन व्हाट विल बी योर फाइनल कोर्स. यूपीएससी गेव अ वेरी ओपन एंडेड केस स्टडी. तो आई ट्राइड टू राइट फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स इन दैट आंसर कि थोड़ा यूटिलिटेरियनिज्म का लगा दिया या फिर कोई और कॉन्सेप्ट लगा दिया या ट्रुथ के ऊपर थोड़ा लिख दिया. ट्राई टू जस्टिफाई फ्रॉम दैट एस्पेक्ट. एंड नॉट एवरी वन इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट. इवन मतलब आई थॉट आई कुड डू इट बट आई वॉज नॉट एबल टू डू इट इन ऑल द केस स्टडीज. बट वो मेरे माइंड में हमेशा रहता था कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई एंड इफ आई एम कम्फर्टेबल इन राइटिंग दैट थिंग आई विल गिव इट इट अ शॉट.
हो सकता है एग्जामिनर की जो पैटर्न है कॉपी चेक करना, मेरा आंसर देख के ही विल फील कि चलो कुछ तो डिफरेंट लिखा हुआ है, तो ही माइट गिव सम मार्क्स। जो है एक बड़ी फाइट एथिक्स के पेपर में होती है कि पेपर कंप्लीट नहीं होता जी। सो ये आपने फेस किया था? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, मतलब एथिक्स में आई थिंक 14-15 क्वेश्चंस ही होते हैं, बट इट इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट पेपर टू कम्प्लीट ऑन टाइम। तो उसके लिए बीट एनी जीएस पेपर मैं स्टॉपवॉच लेके बैठता था कि मुझे इस टाइम में कंप्लीट करना ही है, एंड आई शुडंट बी टू वर्बोस इन एक्सप्लेनिंग। लिखा 5-6 मिनट्स का पीरियड हुआ, टाइम खत्म हुआ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो डिलीजेंटली मैंने एक्सरसाइज फॉलो करी। जो मैंने टेस्ट सीरीज दी थी उसके अंदर आई ऑब्जर्व्ड कि जो मेरा सेकंड टेस्ट था, जो दो फुल टेस्ट दिए थे, फर्स्ट फुल टेस्ट तो बेटर था, सेकंड के अंदर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैं घर पे आके मैं घर पे बैठ के ही प्रैक्टिस करता था कि लेट्स पिकअप लास्ट ईयर यूपीएससी की जो केस स्टडीज हैं, आई विल पिकअप 6 केस स्टडीज एंड इफ आई गिव 15 मिनट्स टू ईच केस स्टडी, 90 मिनट्स के अंदर मैं 6 केस स्टडी घर पे बैठ के लिखता हूँ। लेट्स नॉट थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ आंसर राइट नाउ, एक बार कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। वो कंप्लीट हो गया तो देन क्वालिटी आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग विद ईच इटरेशन विच आई एम डूइंग। तो ये मेरी कोशिश रही थी। ओके, लेट्स कम टू जो है पेपर वन। ऐसे जो है एक माना जाता है कि कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए इसके लिए, कुछ माइंडसेट चाहिए लिखने के लिए, और प्रैक्टिस भी शायद बहुत करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी ऐसे नहीं लिखा था, सीधे गए थे लिख दिया, बहुत अच्छे नंबर आ गए। तो आपका क्या स्टैंड था इसमें? सो अगेन ऐसे वॉज समथिंग विच आई कुडंट डिवोट टाइम फॉर स्पेसिफिकली कि ऐसे आज मैं ऐसे राइटिंग करता हूँ। अगेन बिकॉज अगेन मेरा ऑप्शनल ऐसा था कि मेरे पास वो टाइम नहीं था। बट जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करी आफ्टर सीइंग दी टॉपिक्स जो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, तो देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके ऊपर कंटेंट प्रिपेयर होना चाहिए, तो वो अपने जीएस से प्रिपेयर हो जाता है। तो आई हैड दैट कंटेंट रेडी। देन मैंने थोड़े टॉपर्स के ऐसे देखे, उनके ऐसे देख के आई रियलाइज कि नो वन राइट्स इन अ वेरी फ्लावरी लैंग्वेज, कि बहुत अच्छी हाई लेवल वोकैबुलरी यूज हो रही है या हाई लेवल सेंटेंस फॉर्मेशन है। एवरी वन ट्राई टू राइट वेरी सिंपल थिंग्स जस्ट टू मेक सम आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉपर की लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, फ्लो मेंटेन हो रहा है। एंड मैंने बस यही कोशिश करी, कीप थिंग्स सिंपल, डू वॉट यू आर कम्फर्टेबल इन। अब जैसे लोग रिकमेंड करते हैं कि कोट्स यूज़ कर सकते हो ऐसे में, तो अच्छा है। अब आई डोंट थिंक आई एम गुड एट कोट्स, तो मैंने कभी वो अटेम्प्ट नहीं करा कि मैं जाके ऐसे में कोट्स लिखूंगा। अगर कोई चीज़ क्लिक कर गई, इफ इट इज एप्लीकेबल देन आई विल राइट, बट ऐसे स्पेसिफिकली ट्राई नहीं करूंगा कि मैं जाके कोट लिख रहा हूँ। तो ऐसी कोई प्रैक्टिस करी थी आपने कि हाँ इतने? सो आई राइट समवेयर अराउंड 6-8 एसेज घर पे मैंने लिखा आफ्टर माय प्रीलिम्स। एवरी 10-15 डेज आई यूज टू राइट वन एसे। ये एक मैंने विकास रंजन सर के उसमें आई यूज टू राइट एट होम घर पे बैठ के स्कैन करके उनसे वैल्यूएट होते थी कॉपीज, एंड दिस एक्सरसाइज आई डिड फॉर 6 एसेज, एंड आई ट्राई टू राइट 2 एसेज इन 3 आवर्स इंस्टेड ऑफ 1 एसे इन 90 मिनट्स। क्योंकि समटाइम्स वो हैबिट हो जाती है कि अपन एक ऐसे 90 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं, बट वो 2 ऐसे 180 मिनट्स में मुश्किल होता है। तो अगेन सिमुलेशन जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने घर पे बैठ के भी आई रोट 2 एसेज इन 3 आवर्स। उसके अंदर भी जैसे एक पर्टिकुलर ऐसे है तो उसमें 20-25 मिनट्स की ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई, पीछे स्क्रेबल डाउन कर लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, और बहुत ही सिंपल काफ़ी किसी भी टॉपर के अगर अपन देखेंगे दे आर फ्यू पैटर्न्स विच एवरी वन डज, कि एक इंट्रोडक्शन हो गया, देन देर इज सम टेम्पोरल कवरेज, कि टाइम बेस्ड कवरेज, वॉट वॉज हैज बीन द पास्ट डेवलपमेंट, पास से लेकर अभी तक कैसे डेवलपमेंट हुआ है, एंड देन पीपल कवर वेरियस सेक्टर्स, कि इट कैन बी लाइक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो एक SPE CLIH करके आई थिंक चंद्रमोहन सर ने किसी ने तो एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने देखा था, या देर इज दैट फैमिली या फिर इंटरनेशनल या सेल्फ, इस टाइप की अप्रोच भी होती है। तो आई ट्राई टू थिंक फ्रॉम दोज अप्रोचेस एंड राइट देम इन अ कंटिन्यूअस मैनर। ऐसा नहीं कि ऐसे लगे कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट सम आर्ग्यूमेंट्स हेयर एंड देयर, नहीं, ट्राई टू मेंटेन सम फ्लो आउट ऑफ इट, एंड वो पॉइंट्स एक बार पीछे स्क्रिबल कर लिए, एंड देन स्टार्टेड राइटिंग द आंसर द एसे। एंड एंड में कंक्लूजन वही एक सिंपल सा हैप्पी एंडिंग वाला कंक्लूजन लिखना है कि पॉजिटिव माइंडसेट दिखे, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव एंडिंग हो ऐसे का, ये मेरी अप्रोच रही थी। ओके, एंड देयर आर टॉपिक्स लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज एंड ऑल, तो ये टॉपिक्स जो है कहाँ से प्रिपेयर किया आपने? सो टॉकिंग अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये दोनों GS3 के अंदर अपने आते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए
मैंने अगेन यूपीएससी प्रास के क्वेश्चंस देखे, उसके अंदर जनरली यूपीएससी टेंड्स टू कवर वन डिजास्टर, उसकी एनडीए में गाइडलाइंस वगैरह थोड़ी बहुत पूछ ली, उस टाइप की चीज़ें कवर करी हैं। बेसिक्स के लिए एक मैंने विजन का सप्लीमेंट्री मटेरियल आता था, आई टुक दैट पीडीएफ, उसके अंदर सिलेक्टिव रीडिंग करी मैंने, आई मेड माई ओन नोट्स। जैसे एक सेंडाई फ्रेमवर्क काफ़ी फेमस है, तो उसके अंदर एक साइकिल चलती है कि मिटिगेशन है, प्रिपेयर्डनेस है, देन उसके बाद में बिल्डिंग बैक बेटर, इस टाइप के जो फ्लो होता है। आई कवर्ड ऑल द डिजास्टर्स इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न, कि यूपीएससी अगर पूछेगा तो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, लेट्स कवर ऑल दीज एस्पेक्ट्स एंड प्रिपेयर स्मॉल नोट्स आउट ऑफ इट। ये मेरा डिजास्टर मैनेजमेंट का मटीरियल है फॉर रिविजन। देन बार बार रिवाइज करते रहे बेसिकली। फॉर इंटरनल सिक्योरिटी देर इज अ बुक बाय अशोक कुमार एंड विपुल, आई थिंक इफ आई नॉट मिस्टेकन, उसकी भी मैंने सिलेक्टेड रीडिंग करी टॉपिक वाइज, जो भी टॉपिक जो सिलेबस के अंदर दे रखे हैं उन टॉपिक्स का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। थोड़ा आई हैड मटेरियल फ्रॉम वाजीराम ऑल्सो एंड थोड़ा सा मेन 365 जो विजन का आता है, इन तीनों को मैंने सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ पढ़ के एक शॉर्ट नोट मेरा बना लिया कंडेंस्ड, एंड आई यूज टू रिवाइज फ्रॉम दैट। ओके ओके। सो जब जो है मेन साहब अपियर हुए, मेन साहब देने लगे, सो जो है हाउ वॉज डैट, और कैसा लग रहा था कि हाँ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा? मेन्स वॉज अ काइंड ऑफ इमोशनल रोलर कोस्टर फॉर मी, क्योंकि बीइंग फर्स्ट अटेम्प्ट एंड एज आई सेड थोड़ा लैक ऑफ गाइडेंस भी था, तो आई वॉज गेटिंग लिटिल डेस्परेट ऑल्सो, समटाइम्स लिटिल डिप्रेस्ड ऑल्सो, कि कैसे आंसर लिख रहा हूँ, विल हाउ विल यू पी एस सी इवेल्युएट इट, विल आई बी एबल टू मेक इट, तो वो थोड़े सेल्फ डाउट्स आए तो थे, बट आई ऑलवेज हैड ऑप्टिमिज्म एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एज आई सेड इन माई एबिलिटीज़, की इफ़ आई स्टे कॉन्फिडेंट एंड आई विल बी एबल टू डू वेल, तो दैट अप्रोच ऑलवेज हेल्प मी कीप अ पॉजिटिव माइंड सेट एंड आई नेवर गेव अप। तो हमेशा कभी भी ऐसे लगा कि आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आई केम बैक एंड आई रोट, वेंट टू माई रूम एंड आई रोट अगेन, कि प्रैक्टिस करनी है। एंड जब टू बी फ्रैंक जीएस का पेपर मैंने जब दिए थे, तो जीएस वन एंड जीएस थ्री मेरे इतने अच्छे नहीं हुए थे, एंड आई वॉज फीलिंग लिटिल सैड अबाउट इट, बट आई हैड दैट थिंग कि ऑप्शनल मेरा एक्स फैक्टर मैंने रखा था, तो अगेन इवन अगर उसमें एवरेज भी हो गया है तो ऑप्शनल में मेरे को अच्छा करना है। तो वी हैड 5 days ब्रेक फॉर ऑप्शनल ड्यूरिंग आवर अटेम्प्ट, तो मैंने उस 5 days ब्रेक के अंदर बहुत अच्छे से ऑप्शनल को कवर करा एंड आई वेंट एंड गेव अ वेरी गुड पेपर इन माई ओपिनियन। थोड़ा ऑप्शनल ईजी भी आ गया था एंड आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट एज पर माई सेटिस्फेक्शन लेवल। ओके, उसके बाद में आई वॉज लिटिल कॉन्फिडेंट कि हाँ मेन्स हो सकता है क्लियर। ऑप्शनल आई वॉज लिटिल कामर फ्रॉम इन साइड कि इतना भी कोई नेगेटिव नहीं हुआ है, ऑप्शनल अच्छा हुआ है, अगर कोई सिली मिस्टेक नहीं करी है तो आई विल डेफिनेटली क्लियर मेन्स। ओके, सो आफ्टर मेन्स जो है क्या तुरंत कुछ प्रीलिम्स के लिए, मतलब जो है इंटरव्यू के लिए शुरू किया आपने या ब्रेक लिया, क्या किया? नहीं, आई टुक अ ब्रेक, आई saw some movies, saw some TV series, okay. I joined a gym because I had gained a lot of weight. Okay. So, ये मेरा एक मानना है कि whatever thing I have in control, I should try to make sure कि वो अच्छे से हो जाए. Okay. Never leave anything for chance. वो कुछ भी चीज़ हो सकती है वो. And जैसे अगर मेंस का मैं बताऊँ, लैंग्वेज पेपर भी होता है, तो उसके अंदर भी मैंने एक दिन बैठ के हिंदी के एक दो निबंध लिखे हैं। अच्छा, कि ऐसे छोड़ना नहीं है कि भाई क्या पूछ रही हूँ, यूपीएससी क्या पता यही क्लियर नहीं हो। इवन जैसे मैं सीसेट का बताऊँ, तो सीसेट प्रीलिम्स के अंदर मैं कॉन्फिडेंट था एप्टीट्यूड को लेकर, बट उसके अंदर यूपीएससी आस्क कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो एंड वो भी पूछती है, एंड सपोज यूपीएससी ने इस बार सारे कॉम्प्रिहेंशन पूछ दिए तो वॉट विल आई डू? तो उसके लिए मैंने उसको भी 3 बार प्रैक्टिस करा। तो ये मेरी अप्रोच थी। तो जब इंटरव्यू वाला फेज आया, तो आई रियलाइज दैट आई हैड पुट ऑन लॉट ऑफ वेट। तो इफ आई वांट टू लुक थोड़ा पर्सनालिटी वाइज, बिकॉज इट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट, इफ आई वांट टू लुक प्रेजेंटेबल इन एन इंटरव्यू, तो आई हैव टू लूज सम वेट। तो आई जॉइन जिम फॉर सम टाइम कि आई हैव टू डू दो एक्सरसाइज, अब एंड नाउ इज द राइट टाइम बिकॉज अभी स्टडी करके हटाई हूँ, तो आई कैन डू इट फॉर 1 month, 1.5 months, जब तक रिजल्ट आता है। तो आई डिड दैट थिंग। थोड़ा न्यूज़पेपर मैंने फिर नहीं छोड़ा, न्यूज़पेपर आई यूज टू स्टडी कि लेट्स नॉट लीव इट, क्योंकि ये अगर इंटरव्यू नहीं होगा तभी भी काम आएगा, तो लेट्स कीप ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर। एंड देन आफ्टर द रिजल्ट्स केम फॉर इंटरव्यू फॉर द मेंस, तब मैंने अच्छे से फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट करा। तो उसके बाद आपने कई सारे मॉक इंटरव्यूज दिए होंगे? हाँ, मॉक मैंने अगेन आई वॉज वेरी स्ट्रेटेजिक इन कवरिंग माई मॉक्स, आई ट्राई टू कवर ऑल पॉसिबल सिनारियोज।
आई गॉट फीडबैक फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज या लोगों के मॉक्स डाल रखे तो मैं देखता था इंस्टीट्यूट के मॉक्स यूट्यूब पे, तो देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं. तो इफ एक्स इंस्टीट्यूट आस्क फैक्चुअल क्वेश्चन तो इज इट रिलेवेंट फॉर मी, या कोई इंस्टीट्यूट थोड़े कॉन्ट्रोवर्सियल चीज़ें पूछता है तो वो करना चाहिए क्या. तो आई कवर्ड 4-5 मॉक्स, तो एक मॉक के अंदर मेरे से कॉन्ट्रोवर्सियल क्वेश्चन पूछे गए, एक में फैक्चुअल पूछे गए, एक के अंदर मेरे मैथ्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, एक के अंदर राजस्थान के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया. तो बाय दैट एक्सरसाइज एवरीथिंग इन माय डैफ वाज कवर्ड. इन एडिशन टू इट आई आल्सो प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन माय प्रोफाइल कि व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस सीइंग इट माय डैफ, ऑल द वर्ड्स व्हिच आई हैव रिटन इन माय डैफ वो मैंने कवर करा. आई यूज्ड टू प्रैक्टिस आंसर्स एंड with that approach I never left anything for chance and I gave my 100% for my mocks and then I went for the UPSC interview. And what was your experience there? So interview I would say was as compared to the mocks it was very less challenging and the conversation was very interesting and the members were very interested in my answers and they were nodding and they were smiling. ऐसे कभी फील नहीं हुआ दैट आई एम आउट ऑफ प्लेस. ओके एंड अगेन क्वेश्चंस पूछे आपसे. तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द चेयरमैन सर आस्क्ड मी, आई हैड भोसले सर स्कूल, तो ही आस्क्ड मी दैट यू हैव सम इंप्रेसिव प्रोफाइल सो आर यू ओवर क्वालिफाइड फॉर सिविल सर्विसेज. सो अब इंसिडेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड्स इन अ मॉक विच वी वर डूइंग विद ईच अदर, ही हैड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. ओके तो मैंने कुछ तो आंसर प्रिपेयर कर रखा था, तो आई गिव एन आंसर कि सर देयर आर अदर एस्पेक्ट्स आल्सो वी हैव टू कवर, आई हैव ओनली सम टेक्निकल प्रोफिशिएंसी राइट नाउ. देन ही गिव मी सम कोट्स कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय देम. तो आई वॉज नॉट एबल टू गिव अ सैटिस्फैक्टरी आंसर, बट सर ट्राइड टू इनिशिएट सम कन्वर्जेशन. ही गिव मी सम लीड्स, what do you think now, if I say this what do you think now. Okay, then there was a flight by my name which crashed in 1985. Okay, there was a Kanishak aircraft, so one of the members she asked me, and that was related to a terror attack. So from that started some topics on questions on terror. So at that time Pulwama attack and Balakot strike had happened. So they asked me a little bit about terror attacks and India's terror policy and what should India be doing, should it take help from outside. These type of questions were asked, and at no point there was a lot of cross questioning to my answers. They seemed quite satisfied, and uske baad mein thoda job related hi pooch liya about data and about Cambridge Analytica, potential impact on Indian elections, how data can influence it. They asked such questions, and my end of the interview was very interesting because chairman sir started asking about my Korean experience. Okay, and I had learned Korean language during my stay in Korea a little bit. Okay, and I had mentioned it in my DAF. So he asked me about comparing Korean language with Hindi language, which I knew 3-4 points. Okay, which I told them, and they seemed quite interested in that. And probably they also had some experience in Korea, so they asked me about cuisine, what type of food they eat, and what is my favorite Korean cuisine. So at the end sir told me that seems like your mouth is watering, so we will not make you stop, you can go. Okay. And I like came out very happy from the interview. So I feel that probably I don't know how they interpreted my answer, but it was as per my satisfaction. And although my marks are little, I scored 179 marks in my interview, they are little less than what I expected, but I am very happy with my overall interview experience. Okay, so you have mentioned ki jo hai online resources pe jo hai aapne kafi kuch jo hai dekha. So ab jo preparation hai wo kafi online ki taraf bhi move kar rahi hai, and you also followed Mrunal sir, right? So ab jo aapka kya opinion hai ki now is there a need to go to Delhi, या फिर online बहुत सारी चीज़ available है, लोग घर से तैयारी कर सकते हैं? Having been to Delhi for a period of 8-9 months, I can say that everything is not perfect there, but it's not like कि वहाँ पर time भी waste होता है. मतलब those who want to study वो Delhi जाके पढ़ भी सकते हैं पर कई लोग distract भी हो जाते हैं. तो there are both pros and cons of moving to Delhi. What I observed is कि there is lot of information available online, which I used in mains preparation, क्योंकि तब मैं जयपुर में था. And what I observed कि बहुत सारी noise होती है for students to pick up from a lot of sources कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. So in that approach, a student has to be
लिटिल बिट प्रैक्टिकल इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स स्टडीज कि ये सोर्स से पढ़ रहे हैं, लग रहा है इज इट बेनिफिशियल, नो डिस्कार्ड इट, मूव ऑन टू समथिंग एल्स, अगर लग रहा है इससे फ़ायदा हो रहा है तो डू इट. जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन समवन टोल्ड मी दैट देर इज एन इनिशिएटिव बाय इनसाइट्स, इफ यू सब्सक्राइब टू इट यू विल गेट सम डेली मेल्स. आप वो मेल पढ़ के यू विल गेट सम अंडरस्टैंडिंग कि कोई न्यूज़ आ रही है या कुछ कवर हो रहा है तो चीज़ें कवर हो सकती हैं. सो आई सब्सक्राइब टू इट. अब डेली मेरे इतने सारे मेल आने लग गए एंड आई एम नॉट एबल टू रीड दोज मेल्स, तो मुझे थोड़ा सैड फील होता था कि यार लोग तो इतना पढ़ रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू स्टडी. तो इट वॉज एक्टिंग एज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी फॉर मी, तो मैंने उसको तुरंत अनसब्सक्राइब करा कि ये मेल नहीं चाहिए. या सिमिलरली मैनी पीपल रिकमेंड टू सब्सक्राइब टू आर एस एस फीड्स ऑफ पी आई बी ऑफ और पी आर एस. नाउ आई वुड नॉट से दैट इज़ अ बैड थिंग टू डू इफ पीपल हैव टाइम, अगर आपके पास उतनी बैंडविड्थ है करने की तो यू शुड डेफिनेटली डू इट, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है. कवरिंग फ्रॉम पी आई बी विच इज़ द ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्स, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प. बट अगेन मैंने वो चीज़ स्टार्ट करी, आई कुडेंट फॉलो इट एट ऑल. तो अगेन आई वॉज वेरी प्रैक्टिकल कि ये मेरा नहीं, मैं इसे पढ़ पा रहा हूँ, तो उससे भी अनसब्सक्राइब कर दिया कि इफ़ देर इज समथिंग ऑन पी आई बी आई विल सर्च, आई विल गो और मैं खुद से उसको पढ़ लूँगा. बट अगर आई विल हैव वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड मेरे ऊपर हो जाएगा तो मेरी एफिशिएंसी कम हो रही है एंड आई कांट लेट दैट हैपन टू मी. आई हैव टू हैव अ क्लियर माइंड सेट वैन आई एम स्टडिंग. आई कांट सराउंड माई सेल्फ विद इतने सारे सोर्स कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ूँ या क्या नहीं पढ़ूँ. तो उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तुरंत बंद करना है. जैसे अगर मैगजीन का भी लोग बोलते हैं कि देर आर कॉम्पिटेटिव मैगजीन्स या गवर्नमेंट मैगजीन्स पढ़नी चाहिए, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और काफ़ी जो रिसेंट स्कीम्स हैं वो कवर हो जाएंगी या टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. बट बीइंग इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने उसको कभी पढ़ा नहीं एंड उसको देख के कभी सैड भी फील नहीं करा कि लोग ये सब पढ़ रहे हैं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ. मेरे मन में यह था कि नहीं, जितना मेरे पास जो मैं प्रोसेस कर सकता हूँ पहले उतना तो प्रोसेस करूँ, अगर टाइम हुआ तो मैं मैगजीन पढ़ूंगा. सो कनिष्क जो है जनरली लोग एक रिकमेंड करते हैं कि यू शुड हैव अ टाइम टेबल, यू हैव अ सिस्टमैटिक प्लान. तो क्या इस प्लान में कोई प्लानर भी आता था कि हाँ मुझे वो कैसे पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, ऐसा कुछ डिसाइड करते थे आप? जी इन माय ओपिनियन थोड़ा जरूरत से ज़्यादा प्लानिंग करना भी बैकफायर कर सकता है. मतलब मैंने देखा है लोग बहुत बार टाइम टेबल बनाते हैं कि टॉपर क्या टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, कितने घंटे पढ़ रहा है, कब से कब पढ़ रहा है, आवरली प्लान बना लिया. ये एक्सरसाइज मेरे को थोड़ी ओवररेटेड लगती है. इट हैज़ वर्क्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली मतलब फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, काफ़ी हेल्प करती है लोगों को. बट इन माय ओपिनियन ये एक्सरसाइज करने की जगह अगर अपन एक्चुअली पढ़ाई में फोकस करें तो बेटर रिजल्ट आ सकते हैं. अब होता क्या है, पीपल दे मेक अ वेरी डिटेल्ड टाइम टेबल कि आज हम इतना घंटा पढ़ेंगे, इस टाइम से इस टाइम करेंगे, एंड वो दे सेट वेरी ओवर एम्बिशियस टारगेट्स कि आज तो सब कुछ पढ़ाई आज ही कर देंगे. अब वो पढ़ाई कभी हो नहीं पाती एंड उसके बाद में उनको बुरा लगने लगता है कि यार मैंने इतने टारगेट सेट करे थे. दे गो इनटू दैट लिटिल नेगेटिव माइंडसेट और फिर एक हफ्ते के बाद में वो एक्सरसाइज फिर से करी जाएगी तो फिर से कम 3-4 घंटे उसमें वेस्ट हो जाएंगे. तो उससे बेटर है थोड़े रियलिस्टिक टारगेट्स रखिए. ऐसा नहीं है कि टारगेट बिल्कुल नहीं होने चाहिए. यू शुड हैव अ गोल इन माइंड कि अगर ये अप्रोच कर रहा है तो इस हफ्ते में मेरे को ये ख़त्म करना ही है. बट प्रिपेयर फॉर टॉपिक्स कि ये टॉपिक मेरे को ख़त्म करना है. तो आपके थोड़े ब्रॉडर गोल्स थे कि शायद कि हाँ 15 दिन में मुझे एक सब्जेक्ट ख़त्म करना है. हाँ मैं ब्रॉडर लेवल गोल्स मैंने मेंटेन करे एंड कोशिश करी कि उन गोल्स पे स्टिक कर सकूँ. एंड ये चीज़ मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि कई बार हम जैसे ओवर एम्बिशियस डेडलाइन सेट कर दी तो वो अगर अचीव नहीं होती है तो बुरा लगता है. तो थोड़ा खुद के लिए भी एक्स्ट्रा रूम दीजिए कि आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक 2 दिन में हो सकता है तो अलाउड 3 डेज फॉर इट. अगर हो सकता है कि नहीं हुआ तो आप 3rd डे में तो करके कवर कर ही लेंगे. यू विल फील गुड कि मैंने 3 दिन दिए थे वो हो गया. एंड सपोज यू आर वेरी एफिशिएंट, आपने 2 दिन में कवर कर लिया तो यू आइदर हैव अ फ्री डे और यू कैन डू सम एक्स्ट्रा स्टडी. तो नाउ यू आर इन अ हैप्पी मूड. तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है रिगार्डिंग टाइम टेबल ऑल्सो. बट अगेन इन दिस एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें. मतलब ऐसा नहीं कि हम हर 3rd दिन में ही 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं. नहीं, 8-9 आवर्स डेली स्टडी दिस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स.
if you want to your average time span was 8 to 9 hours and jo 2 mahine mains ke pehle the tab meri 14 hours tak mere ko increase karni pad gayi thi because wo first attempt wala factor wo important hota hai ki if you ask any first attempt wala person to cover all the syllabus and then maths optional hona ya fir aise complete nahi ho pana ya answer writing extra practice karna to uske liye mains ke time pe mere ko thoda extra time dalna pada tha बट आई वुड से कि कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन करी एंड आई वॉज ट्रू टू माई सेल्फ कि इफ़ आई एम सेटिंग अ टारगेट तो वो मेरे को पूरा फॉलो करना है सो कनिष्क जो है नोट्स आप कैसे बनाते थे जी नोट्स का वो लोगों को बहुत डाउट रहता है कि ऑनलाइन नोट्स बनाने हैं ऑफलाइन नोट्स बनाने हैं तो पहले जब मैंने स्टार्ट करा तो मैं भी बहुत बार कोशिश करता था कि ऑनलाइन नोट्स बना पाऊँ बट कई बार उसमें लगता था कि आई डोंट हैव वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम हो जाता है कि मैं कुछ डायग्राम नहीं बना सकता या स्क्रिबल नहीं कर सकता बट फिर अगर मैं ऑफलाइन बनाने लगता था तो मेरे पास एडिटिंग का रूम नहीं था कि मैं कभी भी जाके चेंज कर सकता हूँ तो मैं हमेशा डिलेमा में रहता था तो अगेन जब मैं बोलूँगा कि अब मेरे पास या तो ऑप्शन था कि मैं डिलेमा में रहूँ टाइम वेस्ट करता रहूँ देन आई वॉज लाइक कि दोनों को छोड़ो लेट स्टार्ट डूइंग वॉट एवर वर्क फॉर मी जिसके तो कोई कोई टॉपिक्स के मैंने ऑनलाइन बना लिए इकोनॉमिक्स हो गया या कोई अपने इन्वायरमेंट का क्लाइमेट चेंज का मैंने डॉक्यूमेंट बनाया वो मैंने ऑनलाइन बना लिया अब हिस्ट्री के अंदर फ्लो चार्ट बनाना अच्छा लगता था या डायग्राम ज्योग्राफी में डायग्राम बनाना अच्छा लगता है तो उसके मैंने ऑफलाइन नोट्स बना लिए तो आई हैड अ मिक्सचर ऑफ बोथ अगेन जो भी मेरा काम विच एवर थिंग वर्क फॉर मी मैंने वो करा आई नेवर वेंट फॉर द परफेक्ट अप्रोच कई बार रहता है कि आई विल जस्ट एम फॉर दैट परफेक्ट थिंग नोट्स बनाते हैं वो अपन खुद के लिए बनाते हैं वी डोंट वॉन्ट टू सेल इट समवेयर अपने वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द नोट्स तो मेरी वही कोशिश थी कि वॉट एवर मेक सेंस फॉर मी वही करना है एंड ऑनलाइन बनाने तो उसके ऑनलाइन बना लिए ऑफलाइन की रिक्वायरमेंट आएगी तो ऑफलाइन बनाएंगे बट हाँ आफ्टर प्रीलिम्स मैं थोड़ा ऑफलाइन पर ज़्यादा फोकस कर रहा था बिकॉज ऑफ वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी हो जाएगी एंड आई कैन मेक नोट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर जो कि थोड़ा मेन्स ओरिएंटेड हो कि अगर मेन्स में जैसे कुछ स्कीम का इम्पैक्ट पूछा है या इश्यूज़ पूछे हैं या और कुछ फीचर्स पूछे हैं तो वो मैं खुद से लिखता था तो उसमें क्या होता है एक्टिव लर्निंग होती है तो अगर मैं टॉपिक रिवाइज भी कर रहा हूँ तो मेरे जो अगर क्लास नोट्स भी बने हुए हैं उसको भी मैं छोटे कंडेंस नोट्स मैंने बनाए थे उससे मेरा एक्टिव लर्निंग हो रही थी रिवीजन भी हो रहा था और साथ के साथ नोट्स भी बनते थे और ये जो मेजर जो प्रिपरेशन हुई है या जो मेजर नोट्स मेकिंग हुई है दिस इज आफ्टर प्रीलिम्स हां आफ्टर प्रीलिम्स इवन आई विल से आफ्टर प्रीलिम्स का रिजल्ट प्रीलिम तब तक तो मैं ऑप्शनल पढ़ रहा था ऑप्शनल के नोट्स बना रहा था जो जीएस के मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट करे वो मैंने अराउंड 10 डेज मैंने रिवीजन के लिए दे रखे थे तो आई हैड लूज A4 साइज शीट्स उनके ऊपर मैं अगर मेरे पास कोई बुक है या मेरे क्लास नोट्स हैं या कुछ ऑनलाइन मटेरियल है या कोई टेस्ट सीरीज से इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रही है उन सबको मैं एक कॉकटेल बना के मैं मेरे A4 साइज शीट पे लिख लेता था एंड वो मेरा फाइनल सोर्स ऑफ रिवीजन बन गया उसको मैंने कम से कम 5 या 6 बार तो रिवाइज करा था मैं जब भी कोई टेस्ट सीरीज देने जा रहा हूँ उन्हीं से रिवाइज करना है और बाद में सितंबर में 1-2 बार और रिवीजन हो गया एंड देन फॉर मेंस से पहले एक बार फिर रिवाइज हो गया सो इनिशियली आपने हमें ये कैलकुलेशन बताई थी कि जो है व्हाट यू थॉट कि अगर मैं ऑप्शनल में 350 स्कोर कर लेता हूँ और इंटरव्यू में 180 स्कोर कर लेता हूँ तो जो है आई थिंक आई विल बी वेरी इजी आई कैन गेट थ्रू तो फाइनली फिर स्कोर क्या था तो मेरा कैलकुलेशन था कि आई हैड अ वेरी ओवर एम्बिशियस टारगेट कि मैथ्स में 400 भी लेकर आ सकता हूँ तो सपोज आई गेट 400 इन मैथ्स and 115 interview very bad interview then it is 550 if I do poor in mathematics and score around 350 and I cover up with a very good interview and get 200 so 550 otherwise dono mein agar 370 and 180 ke around ho raha hai to bhi 550 to ye mera approach tha ultimately my marks in maths and interview combined were 540 361 in maths and 179 in interview but my gs marks jo maine pehle socha tha ki mere ko 500 marks lana hai I will be into ies wo mere only gs I scored 448 and in sai I scored 133 so that was way more than what I expected and jo meri final rank aayi that also reflects wo jo additional hua but I will say ki Despite having that lofty ambitions in my mathematics, मैंने कभी GS में compromise भी नहीं करा I जो covered all the bases, जो भी basic minimum मेरे को करना है मैंने वो पूरा cover करा and then I went to the positive mindset कि अब जाके देकर आते हैं then we'll see what the marks speak for themselves.
और अल्टीमेटली आई वाज लकी एंड आई गॉट अ वेरी गुड मार्क्स इन रैंक. तो अगर ओवरऑल कंसोलिडेट करूं मैं कि हां आपने जो है इनिशियली 4 महीने सिर्फ ऑप्शनल पढ़ा, मतलब मेजर पार्ट जिसमें जीएस शायद 1 घंटे 2 घंटे डेली होता था विद न्यूज़पेपर, उसके बाद आपने 2 महीने जीएस पढ़ा, 2 से 3 महीने, एंड देन सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करी जी, एंड देन जो है प्रीलिम्स के बाद आपने जो है ऑप्शनल प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और मेंस पर्सपेक्टिव नोट्स बनाए एंड यू मेड इट वो भी रैंक 1 जी. मतलब दिस इज अमेजिंग एंड आई थिंक डेफिनेटली जो है ये बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा कि ऐसे भी कर सकते हैं. बहुत सारी रूटीन फिलॉसफी हम सुनते रहते हैं लेकिन दिस इज एंटायरली डिफरेंट जी. आई डेफिनेटली थिंक सो एंड आई फील कि एग्जामिनेशन के अंदर थोड़ा प्रैक्टिकल जैसे मैंने बोला है लोगों को होना बहुत ज़रूरी है. वॉट एवर वर्क फ्रॉम देम वो करिए, डोंट वेस्ट टाइम थिंकिंग कि ये करने से बाकी लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करता हूँ. नहीं, ऐसा नहीं करना है. जो अपने कंफर्टेबल हैं वो करें एंड थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच से भी करेंगे तो एग्ज़ाम उतना अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं है जितना लोग इसको बोलते हैं. थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, बट थोड़ी कैलकुलेशन करके आप टारगेट बना सकते हैं. ओके ओके. तो अब तक जो है हम कनिष्क यूपीएससी रैंक 1 से बात कर रहे थे, अब थोड़ा कनिष्क से बात करते हैं, है ना. जो है हमारे पास कुछ सवाल हैं, सो विल प्ले अ रैपिड फायर राउंड विद यू और जो है थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में. सो विल स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दीज डेज? सो गोइंग टू एफसी एंड प्लेइंग टेनिस एंड फुटबॉल विद फ्रेंड्स. ओके. एंड एनी रीसेंट हॉबी यू डेवलप्ड? Not as such, I was just, I think, sleeping. Okay. If you could switch lives with someone for a day, who would it be? Like, I can't think of anyone, seriously. Koi bhi, koi aisi personality, any personality which inspires you a lot? I will say Rafael Nadal. Okay. You're too much into sports, huh? Okay. Next question. If you had one superpower, what would it be? I think teleportation. Just quickly going from one place to another place. Traffic QS, yeah. Then what are 3 people alive or dead that are closest to you? Who are 3 people? I'm sorry. My parents, okay. My sister, mm-hmm. and my fiance. Okay. So you are already engaged, are you? Yeah, I recently got engaged. Okay, congratulations. Okay, one talent you wish you had? I think I could be little better at playing sports. Biggest weakness you have? Mm-hmm. People generally say I have little less emotional intelligence quotient, which I also mm-hmm. feel. If I can improve it a little bit, okay. So I would, I think, make a good administrator. So that is a weakness which I'll try to work upon a little bit. Okay, that's interesting. तो कनिष्क जो है हमारे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो डेफिनेटली जो है हमारे इस कन्वर्सेशन को देखेंगे. सो मोस्ट ऑफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन यूपीएससी. सो इफ़ यू वुड लाइक टू गिव सम मैसेज टू देम कि क्या करना चाहिए, यू नो सम टिप्स, सम मैसेज, प्लीज शेयर. सो मैं सभी व्यूअर्स से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं देन हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट कि क्यों करना चाहते हैं. सभी लोग कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं. कई लोग अपना कॉलेज टाइम सेक्रीफाइस करते हैं, कई लोग जॉब सेक्रीफाइस करते हैं, कई लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करियर ऑप्शन सेक्रीफाइस करते हैं, कई लोग पेरेंट्स से दूर जाके पढ़ते हैं. तो यू आर एंटरिंग इनटू दिस एग्जामिनेशन विथ पुटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द लाइन. आपने बहुत सेक्रीफाइस करे हैं तो इंश्योर करिए कि आप अपने लिए यू आर ट्रू टू योर सेल्फ. आप अपने से खिलवाड़ नहीं करें एंड सीरियसली पढ़ें. 2 साल अगर आप अच्छी मेहनत से पढ़ेंगे 2 से 3 साल में आप एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर सकते हैं. जब मैं इस एग्ज़ाम के अंदर आया था द ओनली थिंग मेरे दिमाग में थी कि मैंने इतनी चीज़ें सेक्रीफाइस करी है, मैं अच्छे से पढ़ूंगा एंड इट हेल्प मी गेट अ गुड रैंक इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट. सो इट इज़ डेफिनेटली मैनेजेबल. किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होना है. कोई आपको बोले कि एक अटैम्प्ट में नहीं हो सकता है, डोंट थिंक लाइक दैट. आप अगर मेहनत करेंगे तो आप एक अटैम्प्ट में डेफिनेटली कर सकते हैं. एंड यही बोलूँगा, पॉजिटिव माइंड सेट रहिए, रखिए और क्लैरिटी रखिए कि ये एग्ज़ाम आप क्यों करना चाहते हैं. जब भी आपको थोड़ा डाउनवर्ड फील करे कि आप थोड़े डिप्रेस्ड हैं, क्लोज योर आइज फॉर 5 मिनट्स एंड थिंक वाई आर यू डूइंग यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड आई एम श्योर विद इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स आप पॉजिटिव माइंडसेट में आके अच्छे से और तैयारी कर सकते हैं. थैंक यू. दैट वाज ग्रेट कनिष्क. सो वी हैव अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम अनअकैडमी साइड. थैंक यू. थैंक्स सर. And it was great having you on our show. And एक हमारी एक और रिचुअल है कि जब भी कोई टॉपर्स हमारे आते हैं तो दे टैग सम अदर टॉपर,
कि जो यहाँ पे आए और अपनी स्ट्रैटजी शेयर करें, तो प्लीज़ टैग समवन कि जिनको हम जो है रिक्वेस्ट करें कि यहाँ पे आए वो. सो आई वुड लाइक टू टैग पृथ्वी तेज. ही इज़ रैंक 24 फ्रॉम CSE 2017. सो ही इज़ अ जूनियर ऑफ माइंड फ्रॉम IIT बॉम्बे. एंड उसकी परफॉर्मेंस या उसका रिजल्ट ही था विच वॉज द लाइफ चेंजिंग या द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मैं मोमेंट बताऊँ मेरी प्रिपरेशन का, तो वो था 2017 का रिजल्ट. जब उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में 24th रैंक लेकर आया विथ मैथ्स ऑप्शनल, वो देख के एट अ पॉइंट आई थॉट कि हो सकता है ये मेरे को दो अटेम्प्ट लग जाएंगे एग्जाम में. बट जब मैंने उसकी रैंक देखी, देन आई अगेन इंक्रीज माई एफर्ट्स कि नहीं मैं एक बार में करके रहूँगा. एंड ही हेल्प मी अलॉट, सो आई वुड लाइक टू टैग हिम. एंड ही वॉज जे टॉपर ऑल्सो इन 2011, तो ऑन टू काउंट्स. You can so I think दो रैंक एक साथ हो सकते हैं. So Pradhuj, please you are most welcome to come. Okay, and we would like to have you on the show. और आप भी अपनी स्ट्रैटजी, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें. सो जो है कनिष, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर. एंड यू आर वेरी हम्बल, टू ग्राउंडेड, टू डाउन टू अर्थ. और जो है आपने जो बातें हमें बताई हैं, जो ओवरऑल जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आई एम वेरी श्योर कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स विल बी हेल्प्ड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. Yeah, I sincerely hope so. Thank you for calling me here and giving me a platform जहाँ मैं लोगों से अपने डायरेक्टली जो भी थॉट्स हैं वो शेयर कर सकूँ. And entering you was really an honor. Thank you. Thank you.